रोजाना YouTube पर आने वाले सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपसे फिर आज मिल रहे हैं 8 बजे ठीक शाम रात को सादर जय जिनेंद्र के साथ। कोई ऊंचाई छोड़नी हो, कोई सपना बड़ा करना हो, तो कहा जाता है पहले ये बहुत मुश्किल है, यह तो मेरे लिए टेढ़ी खीर के बराबर है। कहते हैं मैं अब माउंट एवरेस्ट जाना है, ओलंपिक के अंदर गोल्ड पाना है, सचमुच हमारे देश के लिए टेढ़ी खीर का काम है। 140 करोड़ की संख्या है पर हम छोटे छोटे देशों से एक गोल्ड का तमगा नहीं ले पाते, जहां पर लोग घरों में किलो किलो गोल्ड रखते हों। खैर, बात कर रहे थे हम टेढ़ी खीर की। क्या खीर भी कभी टेढ़ी होती है? अरे इंसान टेढ़ा होता है, दीवार टेढ़ी होती है, मकान टेढ़ा होता है, पहाड़ टेढ़ा होता है, सब कुछ पुद्गल पदार्थ टेढ़ा होता है, पर खीर भी कभी टेढ़ी होती है? सचमुच यह मुहावरा पड़ा कैसे, कभी आपने सोचा है इस बारे में? पर इसके बारे में आज सोच लीजिए। बता रहे हमें आचार्य श्री सुनील सागर जी के टेढ़ी खीर मुहावरे का नाम पड़ा कैसे। टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है। ये मुहावरा कैसे बना मालूम है आपको? एक काम करना बहुत टेढ़ी खीर है, ये मुहावरा कैसे बना कोई बता सकता नहीं। ये मुहावरा कैसे बना है लेकिन फिर भी इसका एक रूपक मिलता है, कहानी मिलती है छोटी सी। एक मित्र ने अपने अंधे मित्र को आमंत्रित किया कि भाई आओ हमारे यहां भोजन करना। उसने विचार किया अच्छी बात है, दोस्त के यहां जाके भोजन करेंगे। और अब क्या हुआ कि दोस्त ने उसके लिए बढ़िया खीर बनाई, खीर खिलाई। खीर में क्या क्या होता है सारी चीजें डाली और सारी चीजें डाली कि स्वादिष्ट हो गई। स्वादिष्ट खीर खाई, उसे बड़ा अच्छा लगा, खीर खाकर के बहुत खुश हुआ। खीर का स्वाद ले करके बहुत खुश हुआ। अंधा था, खपी करके जब जाने लगा और रजा लेने लगा कि भाई जा रहे हैं, जाते जाते उसने कहा एक बात तो बता, एक खीर कैसे बनती है? कि बता दिया, खीर में चावल पड़ता है, दूध डालते हैं, शक्कर डालते हैं, ये डालते हैं, सब चीज डालते हैं, फिर पकाते हैं, खीर बनती है। दूध का नाम सुना तो सुना, दूध कैसा होता है? उसने कहा एकदम सफेद होता है, व्हाइट होता है। अब उसने कभी देखा हो दूध, आंखों से आंखें तो है नहीं, अंधा है, ये सफेद कैसा होता है? तो उसने कहा एकदम सफेद। तो कैसा सफेद? एकदम बगले की तरह, हंस की तरह एकदम व्हाइट। तो उसने कहा ये हंस ये बगला कैसा होता है? तो दोस्त ने क्या किया, अपना हाथ यूं टेढ़ा करके बताया कि इस पर हाथ फिर बगुला ऐसा होता है, टेढ़ा होता है, ऐसे उसकी चोंच होती है, ऐसे उसकी गर्दन होती है, ऐसा उसका बॉडी होती है। उसने हाथ फेर करके तो अनुभव कर लिया, मालूम पड़ा कि ऐसा टेढ़ा होता है बगुला। और बोल पड़ा ओ ऐसी टेढ़ी होती है खीर। अंधे को खीर की सच्ची सच्ची परिभाषा नहीं बताई जा सकती है, रंग रूप नहीं बताया जा सकता है, लेकिन खीर का अनुभव जरूर अंधा ले सकता है। ऐसे ही हम उदाहरण पकड़ लेते हैं और मूल तत्व को भूल जाते हैं, भगवान कैसे हैं? ऐसे नासाग्र मुद्रा में बैठे, ऐसे सहज शांत मुद्रा में बैठे हैं हम। सिर्फ भगवान ऐसे होते हैं और भगवान को ऐसे रहना चाहिए, हमें उन्हीं पर थोप देते हैं। भाई प्रतिमा ऐसी होना, प्रतिमा अच्छी लाना, प्रतिमा में बिल्कुल भाई ये तो सब ठीक है, होना चाहिए, लेकिन अब हमें केवल भगवान को इस मुद्रा में ही नहीं देखना है, हमें भगवान की मुद्रा को अपने में देखना है। ये कोई टेढ़ी खीर नहीं है, आपकी आंखें हैं,
आप आंखों से प्रभु की मुद्रा को निहार सकते हैं। और कई बार तो जिनकी आंखें नहीं होती हैं, वो भी अंतर की आंखों से भगवान को निहार देते हैं। हमारी तो आंखें हैं, हमारी तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का सदुपयोग करो।